हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन जीवन प्रज्ञा विद्यालय। लास्ट वीडियो में हम मैनमेड थिंग्स, नेचुरल थिंग, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड लिविंग थिंग्स फील के बारे में पढ़ेंगे। हम लेसन स्टार्ट करें उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स का बड़ा होना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एज टाइम पासेस, स्मॉल लिविंग थिंग्स बिकम बिगर इन साइज। लिविंग थिंग्स सारे ग्रो हो सकते हैं, जैसे जैसे समय पास होता है। लिविंग थिंग्स बिकम बिगर इन साइज, लिविंग थिंग्स छोटे में से बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप एक स्टैंडर्ड में से दूसरे स्टैंडर्ड में कब जाते हो, जब आप ग्रो करते हो। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो इन साइज, लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉय कार कैन नॉट ग्रो इन टू अ बिग कार। क्या आपकी टॉय कार जो है वो क्या बड़ी कार में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या ग्रो हो जाती है? नो, वो छोटी की छोटी रहती है। मतलब जो आपकी टॉय कार है वो क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स। बेबी बर्ड इंटू एडल्ट बर्ड, जो बेबी बर्ड है वो ग्रो करके एडल्ट बर्ड बन जाएगा। एक बेबी बॉय ग्रो करके मैन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब बेबी बॉय में से ग्रो हो गए तो क्या हो गए? मैन। बर्ड एक छोटी सी फ्लावर की जो कली है वो ग्रो होके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही एक छोटा सा सीड है वो ग्रो होके बड़ा सा एक ट्री बन जाएगा। अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव, जिंदा रहने के लिए सारे लिविंग थिंग्स को खाना जरूरी है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स देम हेल्दी। जैसे कि हम हमारी बात करते हैं, तो हम जब गेम्स खेलते हैं, वर्क करते हैं, तो हमें भूख लगती है। मतलब हमारी जो एनर्जी है वो यूज हो गई है, तो अब हम ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे। तो ऐसे ही जो लिविंग थिंग्स है उन्हें एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। किसके लिए? वर्क करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, थिंकिंग करने के लिए, सारी चीजों में वर्कर हमें एनर्जी की जरूर होती है। ऑल्सो कीप्स देम हेल्दी, हमें हेल्दी भी रखते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ एयर। लिविंग थिंग्स में तो प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स को भी खाना मिलता है, प्लांट्स को भी खाना चाहिए। तो हाँ, लेकिन वो कहाँ से खाना, वो खुद अपना खाना तो बना नहीं सकता, तो वो एयर, वाटर एंड सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ से खाना लाते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि वो कुछ एनिमल्स ऐसे जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे जो एनिमल्स को खाते हैं। मतलब वो दूसरे एनिमल्स पे और प्लांट्स पे डिपेंडेड है। नॉन लिविंग थिंग्स जो नॉट नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कुछ नहीं कर सकते, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बेबी डॉल है विल नॉट आस्क यू टू फीड हर। क्या वो आपको बोलती है कि मुझे भूख लगी है? नो, उसे भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हम लिविंग थिंग्स फील के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, लाइक चेंजेस इन लाइट, टच, टेम्परेचर एक्सेट्रा। लिविंग थिंग्स को फील होती है, जैसे कि लाइट का जलना हमें पता चल जाता है, हमारे स्किन पे धूप आती है तो हमें फील होता है कि गर्मी लग रही है, ठंडी लगना, बारिश की बूंदे हमारे हाथ पे गिरती है, कोई किसी का टच करना, ये सारी चीजें हमें महसूस होती है, मतलब फील होती है। तो लिविंग थिंग्स को ये सारी चीजें भी फील होती है।
लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्स टू सच चेंजेस. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, उन्हें ये सब कुछ चीजें महसूस नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ यू ब्रस्ट अ बलून विथ अ पिन, इट डज नॉट क्राई आउट इन पेन. जैसे कि आपको कोई अगर सुई चुपाएगा तो आपको पेन होगा ना और आप रोने लगोगे, लेकिन अगर बलून को हम पिन करते हैं तो वो फूट जाएगा. क्या वो रोएगा? नो. क्यों उसे दर्द नहीं हुआ? बिकॉज वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. एंड ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. चलो लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ पे एक प्लांट है जिसे मिमोसा कहते हैं. ऑन टचिंग अ मिमोसा प्लांट इट्स लीव फोल्ड. जब हम इस मिमोसा की प्लांट्स की पत्तियों पे टच करते हैं तो वो अपने पत्तियों को फोल्ड कर लेता है. सेकेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइट ऑन द आईज बाइल द पर्सन फॉर सम सेकेंड. जब हमारी आंखों के ऊपर तेज रोशनी लाइट आती है गाड़ी की, तो हमारी आंखें बंद हो जाती है. क्यों? ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा लाइट आती है तब. तो क्या हो रहा है? हमें वो लाइट फील हो रही है. सनफ्लावर चेंजेस इट डायरेक्शन टू डायरेक्टली फेस द सन. सनफ्लावर जो रहता है, जहां जहां पे सन मूव करता है, जैसे जैसे डायरेक्शन में सनफ्लावर की उनके सामने वो डायरेक्शन में अपना फेस घुमाता है. स्वीटिंग ड्यू टू हीट ऑफ द सन. जब सन की लाइट होती है, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमें पसीना होता है ना, स्वीटिंग होना मतलब गर्मी लगना, मतलब वो हमें महसूस हो रही है, मतलब हमें गर्मी लग रही है. स्वीटिंग ड्यू टू द कोल्ड वेदर. हमें ठंडी विंटर में हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मतलब हमें ठंड महसूस हो रही है. फीलिंग द पेन फ्रॉम अ कट. जब हम कहीं पे किसी भी चीज से कट लग जाता है, हमें कोई चीज चुभ जाती है, हम गिर जाते हैं तो हमें पेन होता है, मतलब दर्द होता है हमें, मतलब लिविंग थिंग्स को पेन होता है. डॉग सलाइवेट ऑन सीइंग फूड. आपने डॉगी को, अगर डॉगी के सामने आप कुछ खाना रख दोगे तो वो क्या करेगा? सलाइवेट मतलब कि वो अपनी जीभ को बाहर निकाल लेगा, मतलब उसे वो फूड खाना है, मतलब उसे भी वो फूड देख के क्या हो रहा है? फील हो रहा है. मतलब ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील. तो बच्चों अब हम लिविंग थिंग ब्रेथ के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक गर्ल है जो कह रही है, आई ब्रेथ 18-20 टाइम पर मिनट. कि मैं मिनट में 18-20 टाइम सांस लेती हूँ. तो आपने कभी अपनी ब्रेथ काउंट की है? तो चलो आज हम हमारी ब्रेथ काउंट करेंगे, हर मिनट में कितनी होती है. और आप अपनी ब्रेथ काउंट करके मुझे बताना. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेथिंग. लिविंग थिंग्स सांस लिए बिना नहीं रह सकते. व्हाई डू वी ब्रेथ. हम सांस क्यों लेते हैं? नीड एनर्जी टू डू अवर वर्क. हम एनर्जी का यूज हमारे वर्क के लिए करते हैं. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड वी ईट. एनर्जी कहाँ पे स्टोर हुई रहती है? जो हम खाना खाते हैं उसमें. टू अनलॉक द स्टोर्ड एनर्जी फूड मस्ट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. तो जो हमारा फूड है उसमें जो एनर्जी स्टोर है तो उसे अलग कैसे किया जाए? तो ऑक्सीजन की मदद से उसे अलग किया जाता है. वी गेट ऑक्सीजन इन अवर बॉडी बाय ब्रीथिंग एयर. हम जो सांस लेते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मिलता है. 1/5 ऑफ विच इज ऑक्सीजन. 1/5 पार्ट ऑक्सीजन का है. तो फूड ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गिव्स आउट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिससे क्या मिलता है? एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं. यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, फूड प्लस ऑक्सीजन. फूड और ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगे? जो हमारी स्टोर एनर्जी है उसे अनलॉक करके हमें क्या देंगे? एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर वी ब्रेथ आउट कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी ब्रेथ इन. डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट ब्रेथिंग ऑर्गन्स. हम जो सांस लेते हैं उनमें ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन जो हम सांस बाहर निकालते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है.
डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उनमें अलग अलग तरह के ब्रीथिंग ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि स्टोमाटा ऑन अ लीफ, जो लीफ रहते हैं हर एक ट्री के उसमें स्टोमाटा करके छोटे छोटे छेद रहते हैं, जो लीव्स रहते हैं वो सांस लेने का काम किससे करते हैं, स्टोमाटा के थ्रू। स्पिरिकल्स इन एन इंसेक्ट, इंसेक्ट्स में स्पिरिकल्स रहते हैं जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। गिल्स इन अ फिश, फिश में सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गेन्स है, गिल्स। लंग्स इन अ मैन, मैन में सांस लेने के लिए लंग्स से हमारे जो फेफड़े है उससे हम सांस लेते हैं। ब्रेथिंग ऑर्गेन्स कौन से है, स्टोमाटा ऑन अ लीफ, स्पिरिकल्स इन अ इंसेक्ट, गिल्स इन अ फिश एंड लंग्स इन अ मैन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, पुट योर डॉल इन एन एयर टाइट कबर्ड, आप आपकी डॉल को एयर टाइट जो कबर्ड है उसके अंदर रख दो, तो क्या होगा उससे, क्या वो मर जाएगी, क्या उसे सांस लेने में तकलीफ होगी, नो, आपकी डॉल को कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू इट, उसे कुछ नहीं होगा। और इफ यू डिफ्लेक्ट द एयर फ्रॉम अ फुटबॉल, इट विल नॉट ब्रेथ इन एयर एंड गेट इन्फ्लेट ऑन इट ऑन, क्या आप आपकी आपका जो बॉल है फुटबॉल है उसमें से आप अगर हवा निकाल दोगे तो क्या वो एयर में से सांस के थ्रू क्या वो हवा लेके वापस वो फूल जाएगा, नो, क्या वो ऐसा कुछ होगा उसमें कोई इफेक्ट होगी, नो, वो वैसा का वैसा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल एज दे डू नॉट हैव टू सर्च फूड, प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स के जैसे मूव नहीं कर सकते, एज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर, वो सर्च क्या नहीं कर सकते, तो फूड सर्च नहीं कर सकते, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, फूड, प्लांट्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल एज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर ब्लैंक, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के जैसे मूव नहीं कर सकते और वह क्या सर्च नहीं कर सकते, डू नॉट हैव टू सर्च फॉर ब्लैंक, पानी को नहीं ढूंढ सकते, लाइट को नहीं ढूंढ सकते या फिर फूड को, तो क्या आएगा, फूड। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स के जैसे मूव भी नहीं कर सकते और वो अपना खाना फूड भी नहीं ढूंढ सकते। द ब्लैंक, नेचुरल, मैन मेड, आर्टिफिशियल थिंग्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, नेचुरल थिंग्स को, मैन मेड थिंग्स को या आर्टिफिशियल, लिविंग एंड नॉन लिविंग आर मैन मेड थिंग्स। प्लांट्स लाइक इन द एयर, प्लांट्स लाइक थर्ड, प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू ब्लैंक प्रेजेंट ऑन द लीव्स, प्लांट्स जो है वो कहाँ से एयर लेते हैं, लीव्स में किसकी मदद से, कौन है लीव्स में प्रेजेंट, अभी हमने पढ़ा ना, स्टोमाटा, स्प्रिंकल्स या गिल्स, स्टोमाटा, स्टोमाटा की मदद से लीव्स एयर यानी कि सांस ले सकते हैं। स्प्रिंकल्स में, स्प्रिंकल्स से कौन लेता है सांस, यस इंसेक्ट एंड गिल्स फिश। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस्ड, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस्ड, प्लांट रिप्रोड्यूस सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस्ड करते हैं, जैसे कि एक छोटा सीड है वो ग्रो होके नए प्लांट में कन्वर्ट होगा, तो वो छोटा सीड कहाँ से आया, एक प्लांट में से। प्रेजेंट बर्ड मेक नेस्ट लेदर एग्स, जो बर्ड है वो नेस्ट में अपने अंडे रखेंगे, चिक्स कम आउट ऑफ द एग्स, और उन एग्स में से कौन आएगा, कौन कम आउट कौन होगा, चिक्स होंगे, ह्यूमन बींग्स एंड मेनी एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड काउस गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन बींग्स है और कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग एंड काउ, वो क्या करेंगे, बेबीज को बर्थ करते हैं,
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स बेबी बॉर्न नहीं कर सकते, वो शेड भी ग्रो नहीं कर सकते. योर टेडी बियर डज नॉट गिव बर्थ टू बियर क्यूब्स. आपका टेडी बियर है क्या वो बर्थ देगा एक बेबी बियर को? आपका जो टेडी बियर है क्या वो बेबी को बर्थ देगा? नो. यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में शीड, एक छोटे शीड में से प्लांट ग्रो होता है, एग में से चिक्स आते हैं, प्रेजेंट विथ देयर बेबी. यहाँ पे पेरेंट्स विथ देयर बेबी, यहाँ पे आपको पेरेंट्स दिख रहे हैं अपने बेबी के साथ. मदर डॉग विथ हर पप, यहाँ पे मदर डॉग अपने पपी के साथ है. फर्स्ट लेसन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फिनिश हो गया है. अब हम कुछ एमसीक्यूज है वो करेंगे. आई एम अ नेचुरल थिंग, मैं नेचुरल थिंग हूँ. कौन? सन, एरोप्लेन या ट्रेन? हमें पता है नेचुरल थिंग्स नेचर में से मिलती है, मतलब कि सन. सन हमारा क्या हो गया? नेचुरल थिंग. आई एम अ मैन मेड थिंग, मैं इंसान के द्वारा बनाए जाने वाला हूँ. क्लाउड, रिवर एंड कार, क्या हो जाएगा इसमें से? आंसर क्या होगा इसका? कार, क्योंकि क्लाउड एंड रिवर तो नेचुरल थिंग है, तो कार आर मैन मेड थिंग्स. आई एम अ लिविंग थिंग्स, मैं लिविंग थिंग्स हूँ. प्लास्टिक प्लांट्स, अर्थवर्म या डॉल, कौन होगा? अर्थवर्म, क्योंकि प्लास्टिक प्लांट्स तो नॉन लिविंग थिंग्स है, डॉल भी नॉन लिविंग थिंग्स है, और अर्थवर्म क्या है? लिविंग थिंग्स. आई एम अ नॉन लिविंग थिंग्स, मैं नॉन लिविंग थिंग्स हूँ. कौन? मैंगो ट्री, काउ एंड चेयर. मैंगो ट्री हमें पता है ट्री आर लिविंग थिंग्स, काउ एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स एंड चेयर क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स. तो क्या होगा? आई एम अ नॉन लिविंग थिंग्स, तो क्या आएगा इसका आंसर? चेयर. ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में 2 टाइम कंप्लीट करना है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ. हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर करें. बाय.